श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। तत्व के प्रतिपादन में और समझदारी में यहां दो मुख्य बातें बताई है। पहली बात बताई है 18वें मंत्र से, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। इससे ये बताया कि यह जो आत्म तत्व है इसका कोई कारण नहीं कार्य नहीं और यह काल के द्वारा प्रभावित भी नहीं। दूसरी बात इसके अगले श्लोक में बताएंगे कि इस तत्व में किसी प्रकार के विकार नहीं। विकार दो प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक विकार, जैसे बच्चा पैदा हुआ फिर बढ़ रहा है, पहले लंबा फिर चौड़ा, तो यह स्वाभाविक विकार है। तो ये स्वाभाविक विकार इस आत्म तत्व में नहीं है, ये 18वें श्लोक से बताया। और अब 19वें श्लोक में कहते हैं, हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। यदि कोई ऐसी बात कर रहा हो, हंता चेत मन्यते हंतुम, कोई ये बात कर रहा हो कि आत्मा को मारना चाहिए और मैं इसको मार के रखूंगा, और दूसरा ये सोचता है कि अब मैं मारा गया है, तो ये दोनों भी तत्व को नहीं जानने वाले, क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व का विकार नहीं है। ये बहुत आवश्यक बात समझ लेना संतो। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्वाभिमान और उससे निर्माण होने वाला कर्म, यह परमात्मा की निर्मिति नहीं है। ये तो हमारी बात है कि हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, आने वाले छींक को नहीं रोक सकते, और जब वो रुक जाती है तो निकाल नहीं सकते। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार लगता है वेट वेट आ रहे आ रहे आ रहे और आती नहीं। अरे मतलब फ्रस्ट्रेशन की भी कोई हद है, लेकिन होता जरूर है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम ये करके रखेंगे वो करके रखेंगे, तो यह जो कर्तृत्वाभिमान करता, हंता चेत मन्यते हंतुम, तो यह परमात्म तत्व ना तो किसी कर्म का करता है और ना तो इस पर किसी कर्म का प्रभाव होता है। देखो, कर्म का करता नहीं होना ये बताते हैं, हंता चेत मन्यते हंतुम, यदि मारने वाला ये सोच रहा है कि मैं मार रहा हूं और मरने वाला ये सोच रहा है कि मैं मर गया हूं, तो दोनों भी देहात्म भाव में फंसे। उभौ तौ न विजानीतहा, दोनों ने भी इस तत्व को नहीं पहचाना है।
इसीलिए न अयम हन्ति न हन्यते, ना तो ये हनन क्रिया का कर्ता है ना तो ये हनन क्रिया का कर्म है। देखो अपने व्याकरण में समझो एक वाक्य है, राम ने आम खाया तो क्रिया हो गई खाने की, खाने वाला हो गया राम और जिसको खाया गया वो हो गया आम। तो राम ने आम खाया, इस क्रिया में जो करता है राम और जो कर्म है आम और इन दोनों की जो क्रिया है खाने की, ये क्रिया कब होगी कर्म? जब खाने वाले को लगेगा कि मैंने खाया, तो सवाल आएगा क्या खाया? तो आम खाया। तो कर्ता कर्म और क्रिया इन तीनों का जिसमें अभाव है वह है परमात्म तत्व। देखो कितने सुंदर बात, हंता चेत मन्यते हंतुम, इसमें कर्ता नहीं, जिसको मारा जाता है वो कर्म नहीं और इसीलिए मारने की क्रिया नहीं, तीनों बात। और यदि हम ये कल्पना करके बैठे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर भुगतो। एक सज्जन ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप लोग कहते हो कि सब चीज भगवान करते हैं, सब भगवान करते हैं, तो मैंने किसी की जेब काटी, ये तो भगवान ने किया, हाँ फिर मुझे क्यों परेशानी होती है, मुझे क्यों पनिशमेंट मिलती है? हमने कहा तुमको थोड़ी मिलती है, परमात्मा को मिलती है, तुम अपने को क्यों पनिशमेंट समझते हो? देखो यदि तुम दुखी हुए तो सीधा सीधा गणित है, यदि दुखी हो गए तो तुमने अपने आप को कर्ता माना है, कितना सरल गणित है देखो। इसलिए जिस क्षण हमारे हृदय में दुख का प्राकट्य होता है उस समय यह फालतू चीज जिसको मैं कहते हैं, इसीलिए यज्ञ में इस मैं का ही बलि होता है, मैं माने बकरा, बकरा मैं करता है ना, बकरी का बलि नहीं होता, बकरे का होता। और इसलिए यह जो मैं है इससे हमको छुटकारा पाना है, इसीलिए हमने आपको कई बार बताया हमें मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। यदि ये बात हमारे दिल में उतर गई हो तो फिर हमारा ध्यान इस सापेक्षित जगत में ज्यादा नहीं फंसेगा। तो क्या करें, हमने आपको कितनी बार बताया नाटक करो, नाटक करो, इस जगत में ऐसा सॉलिड नाटक करो कि जैसे मैं बता रहा हूं आप समझ रहे हो। तो ऐसा नाटक और यही नाटक अपने जीवन में उतारो। तो पत्नी के सामने गए तो धड़ाधड़ तारीफ शुरू कर दो और फिर उसको दूसरा सोचने का मौका ही नहीं। हम बताएं आपको, ये तारीफ इतनी अच्छी आवश्यक बात है, हम जब भगवान के सामने जाते हैं और आरती करते हैं तो क्या करते हैं, तारीफ ही तो करते हैं, तुम्हारे जैसा कोई, तुम बड़े तीसमार का हो और तुम बड़े दयालु हो, प्रेमी हो, और भगवान भूल जाता है इसको पनिशमेंट करना था। जब इस तारीफ के कारण भगवान यदि प्रसन्न हो सकते तो ये भाग्यवान प्रसन्न नहीं होगी, उसकी भी तारीफ किया पूरा जीवन बदल जाएगा महाराज। अच्छा लेकिन स्वामी जी आई डोंट फील एनी लव फॉर हर, हु केयर्स एंड हु वांट्स योर लव, वी वांट ओनली द पैकिंग मटेरियल, डजंट मैटर व्हाट इज पैक्ड इनसाइड।
देखो लेटेस्ट फैशन है ये, पैकिंग शुड बी बेस्ट, प्रेजेंटेशन शुड बी बेस्ट। तो उभौ तौ न विजानीतः, इसलिए इस जगत में ऐसे रहे कि ये दिमाग से निकाल डाले कि हम कुछ कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, अतः अनात्मज्ञ विषय एव धर्म धर्मादि लक्षण संसार न ब्रह्मज्ञस्य। इसीलिए धर्म अधर्म ये कर्ता के लिए होता है, और जो करेगा वो या तो अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा, और अच्छा किया तो धर्म हो गया, बुरा किया तो अधर्म हो गया। और अच्छे बुरे की परिभाषा कौन करेंगे, हम ही करेंगे। देखो एक जगह कहेंगे कि यदि किसी स्त्री ने आकर के स्वामी जी के चरणों को भी स्पर्श कर दिया तो स्वामी जी बट गए, फिर उनको जाकर के गंगा जी में नहलाना चाहिए। दूसरा संप्रदाय कहता है इसे कुछ नहीं होता। अब ये संप्रदाय वाले लोग हमेशा इसी चक्कर में रहेंगे, चोम 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 चोम, और उसी में पाप पुण्य चलता रहेगा। पूरी लाइफ किसमें गई, बाया हाथ लगाया दाहिना हाथ लगाया और कुछ नहीं। इसीलिए ये धर्म अधर्म का जो चक्कर है, संसार है, यह अनात्मज्ञस्य, जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। तो उसका जो प्रश्न था नचिकेत का कि मुझे धर्म अधर्म के परे वस्तु कौन सी है वो बताओ, तो धर्म अधर्म के परे वस्तु वह है कि जिसमें ना तो कोई क्रिया है ना तो कोई कर्ता है, और ना तो यह क्रिया किसी कर्म पर पड़ती है। इसलिए अतः अनात्मज्ञस्य विषयः एव धर्म धर्मादि लक्षण संसारः न ब्रह्मज्ञस्य श्रुति प्रामाण्यान यच्च धर्म अधर्म अनुपत्ते है। और इसीलिए श्रुति के प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि धर्म अधर्म यह परब्रह्म परमात्मा के लिए नहीं है, ये तो अपने आप को जिसने हम बताएं आपको, यह धर्म अधर्म जीव के लिए भी नहीं है, फिर किसके लिए है, बेवकूफ के लिए। जीव नाम की कोई वस्तु हो तब ना। देखो जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, जैसे हमारा जो प्रतिबिंब आईने में होता है, दर्पण में होता है, उसमें तीन बातें हैं। एक तो हमारा मुख कमल, मुझे एक ने एसएमएस भेजा, एसएमएस में ये लिखा कि रावणाच्या लंकेला सोन्याची लंका का म्हणतात। उत्तर, कारण की लहानपणी रावणाला सोन्या म्हणायचे। सोन्याची लंका मजा। तो यह जो जीव है यह क्या है, दर्पण उसके सामने सोने का चेहरा और उस दर्पण में प्रतिबिंब, तीन बातें हो गई। ये तीन बातों को मिलकर के प्रतिबिंब होता है, यदि दर्पण ना हो तो प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं है, यदि मुख कमल ना हो तो प्रतिबिंब का अस्तित्व नहीं है। तो कोई यदि ऐसी बात करे कि केवल प्रतिबिंब ही मिथ्या है, नहीं, प्रतिबिंब का अपना अस्तित्व कहां है। यदि वो दर्पण टूट जावे तो प्रतिबिंब नहीं टूटता, कारण क्या है, प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए यह धर्म अधर्म ना तो परमात्मा के लिए है ना तो जीवात्मा के लिए है, फिर ये किसके लिए है। अरे बाबा बताया ना, बेवकूफ के लिए, मुंबई की भाषा है। इसीलिए अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्।
अपने आप को इस चक्कर से हटा देंगे। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये सब टाइम पास हो रहा है। और कथम पुनः आत्मानम जानाति इति उच्यते, तो हमने अपने में जन्म मरण और जो प्राकृतिक स्वाभाविक विकार है वो हटा दी। अच्छा, उसके बाद जो कर्ता कर्म क्रिया ये जो विकार है उनको भी हटा दिया, ये आत्मा में नहीं है। लेकिन भैया ये आत्मा है क्या ये भी बताओ। तो आगे कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम तमक्रतुहु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। अणोहो अणीयान, यह आत्म तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अब सूक्ष्म माने क्या, जैसे हम लोगों को बताते हैं कि मन को एकाग्र करो, तो हम लोग क्या समझते हैं मन को एकाग्र करना माने, जैसे धागे को दांत से काट करके थूक लगाते हैं और फिर एकाग्र करते हैं और फिर सुई में डाल दे आ गया और दोनों अलग। क्या हुआ, ऐसे एकाग्र नहीं हुआ था वो, उसको एकाग्रता नहीं कहते। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म किसको कहते हैं, जो जितना स्थूल होगा उतने उसमें ज्यादा गुणधर्म होंगे। ये स्थूल सूक्ष्म की बात एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी के सत्संग में एक वृंदावन की बात है। एक अम्मा आई बैठी, बड़े घर की बड़े साइज की बड़ी अम्मा आके बैठी और कहती है कि महाराज जी आप तो स्थूल बुद्धि वाले, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, कुछ समझाओ ना। स्थूल सूक्ष्म, तो जिसमें जितने ज्यादा गुण हो गए वो उतना ज्यादा स्थूल है, जितने कम गुण हो गए वो उतना सूक्ष्म है। जैसे पृथ्वी ले लो, तो पृथ्वी में पांचों गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और पानी ले लो तो उसमें एक गुण घट जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें नहीं है। बंबई के पानी की बात नहीं कर रहे, पानी तत्व की बात। उसके बाद अग्नि के पास चले आओ तो शब्द स्पर्श रूप उसमें रस और गंध नहीं है, इसीलिए सभी उड़ुपी होटलों में गरम गरम खाना मिलता है। टेस्ट का सवाल ही दिखाओ, ये गरम खाना खिलाने का टेक्निक यही है कि रस और गंध दोनों से छुटकारा, एकदम गरम गरम। उसके बाद आता है वायु, वायु में केवल दो ही गुण है, शब्द और स्पर्श, रूप रस गंध नहीं है। आकाश में केवल शब्द, और इस आकाश को प्रकट करने वाला जो मन है उसमें ये पांचों गुण नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इन पांचों से सूक्ष्म हो गया मन, और ये मन को भी प्रकाशित करने वाला चैतन्य, मन में तो अस्ति नास्ति प्रत्यय होता है, ये है ये नहीं है, भाव और अभाव यह भेद मन में होता है। लेकिन शुद्ध चेतना में भावा भाव का भी भेद नहीं है, देखो। और यह चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वह तत्व सत असत के भी परे है, न तत् सत न तत् असत उच्चते। इसीलिए अणोहो अणीयान, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो यह सूक्ष्माति सूक्ष्म केवल अपना स्वरूप ही हो सकता है। अब इसको समझने के लिए स्थूल उदाहरण ले लें, आकाश सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अणोहो अणीयान, और महतो महीयान, आकाश इतना सूक्ष्म है कि सुई के आंख में भी चला जाए, और इतना बड़ा है
कि पूरे ब्रह्मांड इसके अंदर में समा जाए, तो यह जो आत्म तत्व है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सबको अपने में समेट के रखा है और फिर भी इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो अणोहो अणीजान महतो महीजान आत्मा से जंतो हो निहितो गुहायाम। अस्य जंतो हो आत्मा गुहायाम निहितहा। और यह जो आत्म तत्व है, अब यहां देखो हम जो आपको बताते हैं, कहते हैं हां सच आत्मा अस्य जंतो हो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणिजातस्य गुहायाम हृदये निहितः आत्मभूतः स्थितः इत्यर्थः। माने यह जो एक ही आत्म तत्व है, ब्रह्मा जी इस जगत के निर्माता और हम लोग या जगत के जितने भी प्राणी मात्र है वो उनके द्वारा निर्मित, इन सब में एक ही तत्व है। देखो तो फिर ये अनेकता किसके कारण आई? अनेकता आई उपाधि के कारण। जैसे एक ही आदमी है, अपने लड़के के संदर्भ में उसको बाप कहा जाता है और अपने पोते के संदर्भ में उसी आदमी को दादाजी कहा जाता है, तो ये दो कहां से निर्माण हुए? एक आदमी में दो उपाधियों के कारण। देखो इसी प्रकार से जब समष्टि की उपाधि रहेगी माया की, तब उसको ईश्वर कहेंगे, और जब एक पंचकोशों की उपाधि रहेगी तब उसी को जीव कहेंगे। इसीलिए यह जो आत्म तत्व है यह सभी का आधार है और इस सब में यह कार्य कारण जीव जगत जी हो गया कार्य और उसका निर्माण करने वाला हो गया कारण, वह है ब्रह्मा जी इत्यादि। इसीलिए हमको जीव भाव से मुक्ति पानी है। ध्यान से सुनना, यदि हमने जीव भाव से मुक्ति नहीं पाई, हमने अपने को जीव माना है, तो हमारे लिए ईश्वर है और फिर हमारे लिए ये संसार की गति अगति है। और यदि हमने अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लिया कि जहां जीव भाव का ही त्याग हो गया तो जीव भाव ही नहीं है, तो ईश्वर कहां से होगा? देखो यह सापेक्षता के साम्राज्य से हट करके संपूर्ण में समर्पित होना, यही वेदांत की उपलब्धि है। अन्यथा यही चक्कर में पड़े रहेंगे, मरने के बाद तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे पीछे ही हूं, रहा रहा। मैं मर इसीलिए रहा हूं कि तुम्हारा पीछा छूटे। हरे कृष्णा। इसीलिए सच आत्मा अस्य जंतु हो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जितना एक खटमल में जीव भाव है उतना ही ब्रह्मा जी में भी जीव भाव है। देखो जितना एक झोपड़पट्टी वाला इस देश का नागरिक है, सिटीजन है, उतना ही यहां का प्रेसिडेंट कहो या प्राइम मिनिस्टर कहो, वो भी सिटीजन ही है। दोनों को भी उसी देश का पासपोर्ट वैलिड होगा। देखो सापेक्षता के क्षेत्र में सब आ जाए। इसीलिए भागवत महापुराण में कहानी आती है, भगवान कृष्ण की लीला जब समझ में नहीं आई तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो इनको सिखाते हैं, सब इन्होंने धर्म अधर्म का नाश कर दिया है, जूठन खाते हैं एक दूसरे के हाथ से,
ठीक से रखा भी नहीं और प्रार्थना भी नहीं करी और बाया हाथ छू रहे, दाहिने हाथ छू रहे, एक दूसरे को झुटकन खिला रहे हैं, ये तो अधर्म अधर्म हो रहा है, इसको मैं सिखाऊंगा जरा। और सिखाने को गए, सब उनके जो बछड़े थे सब कुछ छुपा दिया, तो भगवान स्वयं सब कुछ बन गए। सभी बछड़े, सभी वाल बाल, उनके डंडा, उनके लकड़ी, उनका स्वभाव, उनका चलने का तरीका, उनकी पहली मेमोरी, सब कुछ बन गए। और जब एक महीना पूरा हो गया, साल पूरा हो गया, तो भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे, अरे मैंने जो किया उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर ये है कौन। और जब वो पहुंच जाते हैं भगवान के गोलोक में, वहां स्त्रियों का साम्राज्य है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी और इंद्र दोनों जाते हैं और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये ब्रह्मा जी है, ये इंद्र जी है। और वहां की जो चौकीदारन थी वो कहते दो रुको, तो कहते देखो ये ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा ब्रह्मा क्या लगा के रखा है, वो देखो उधर से वो ऊंट जा रहे हैं ना एक के बाद एक, हाँ उस पर कुछ लादे हुए हैं, वो सब ब्रह्मा जी है। देखो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है यह जो जीव भाव चाहे खटमल में रहे चाहे ब्रह्मा जी में रहे, जिसने परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करके रहना शुरू किया है वह जीव है, और जिसने संपूर्णता में समर्पण कर दिया है उसका जीव भाव नष्ट होने के बाद हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती, वो तो है ही है हम। इसलिए यह आत्म तत्व में कार्य कारण, निर्माता निर्मित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सभी के सभी का पूरा अभाव है। जब तक सापेक्षता में रहेंगे तभी तक इन चीजों का चक्कर है। इसलिए ये हमारे भगवान शंकराचार्य का जो श्लोक है दक्षिणामूर्ति का, बहुत महत्व का है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, जगत किसको कहते हैं कि जब हम कार्य कारण में फंस गए तो जगत निर्माण हो गया। कैसे, स्वस्वामी संबंधतः, कोई स्वामी है, कोई हमारे संबंधी है, कोई हमारे रिश्तेदार है, जगत निर्माण हो गया। शिष्याचार्य, कोई शिष्य है, कोई आचार्य है, वहां आश्रम का संसार शुरू हो गया। पितृ पुत्र, वहां भी बाप बेटे का संसार शुरू हो गया। और सुषुप्ति अवस्था में ना गुरु गुरु रहता है, ना शिष्य शिष्य रहता है, ना स्वामी स्वामी है, ना नौकर नौकर है, ना बाप बाप है और ना पुत्र पुत्र है। और इसीलिए नींद में सभी मस्त होते हैं, क्योंकि कुछ भी बनते नहीं। तो जितना भी ये संसार है ना, ये केवल सापेक्षता को सत्य स्वीकार करने में ही है। तम आत्मानं दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतुः अकामः दृष्टादृष्ट विषय उपरत बुद्धिः इत्यतः। तो उस आत्म तत्व को अक्रतुः, अक्रतुः माने जिसके हृदय से सभी प्रकार की कामनाएं हमेशा के लिए नष्ट हो गई है, ऐसा जो है उसको कहते अक्रतुः। तो ऐसा जो व्यक्ति है कि जिसके अंतकरण में अब कोई भी कामना नहीं, तो ऐसा कामना रहित जो ज्ञान है, वो ज्ञान ये समझ पाता है कि जो मन आंखों से अभिव्यक्त होकर के दृष्टि बन रहा है, वही मन कानों से अभिव्यक्त होकर के श्रवण शक्ति बनता है, वही मन हमारे वाणी से अभिव्यक्त होकर के रसना बन रहा है या स्वाद को ग्रहण कर रहा है, तो वो तो एक ही है। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य सभी प्राणी मात्र के माध्यम से एक जीव भाव में अभिव्यक्त होकर के यहां बरत रहा है,
लेकिन जैसे अनेक उपकरणों से अभिव्यक्त होने के कारण मन अनेक नहीं होता, उसी प्रकार से सभी उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए भी चेतना में किसी भी प्रकार का भेद निर्माण नहीं होता। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण या देवी सर्वरूपेषु क्षुधारूपेण। जितने भी अभिव्यक्तियां है और जो अभिव्यक्त हो रहा है वो एक ही है। देखो महाराज, स्वामी जी ये तो ठीक है, आपके लिए शादी करके दिखाओ, एक SMS। एक्सक्यूज मी, आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, चेहरा ही वैसा है। देखो शादीशुदा आदमी का चेहरा तुरंत पद्म है चल जाता। तो जब तक हमारा दिमाग इन चीजों में फंसा है ना, तब तक हम क्रतु है, अक्रतु नहीं है। और इसीलिए यह परमात्मा नित्य उपलब्ध होने के बाद भी इसकी हमको उपलब्धि नहीं होती। तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः। तो यदा च एवं तदा मन आदिनी गणानि धातवः शरीरस्य धारणात् प्रसीदन्ति इति एषां धातूनां प्रसादात् आत्मनः महिमानं कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहितं पश्यति अयम अहमस्मीति साक्षात् विजानाति। तो जिसका अंतःकरण इस प्रकार से सभी कामनाओं से उपरत हो गया है, जिसकी इंद्रियां कामनाओं के वश में आकर के उसको परेशान नहीं करती, और जो सो नहीं रहा, क्योंकि ये सब बातें नींद में होती है, और जो सो नहीं रहा है, ऐसे ही व्यक्ति को ये अनुभव हो सकता है। कौन सा? कर्म निमित्त वृद्धि क्षय। कर्म के कारण लाभ हानि, कर्म के कारण विकार, ये इस शुद्ध तत्व को प्रभावित नहीं करते, और यही हमारे प्रत्येक का अनुभव है। ये बात तब गले उतरती है। देखो, मुझे कोई पूछ रहा था कि स्वामी जी आजकल योगा बहुत बढ़ रहा है, क्या कारण है? हमने कहा कि उनके रोग और रोगी बढ़ रहे हैं। देखो, योगा परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले कितने हैं? अस्थमा को निकालने के लिए प्राणायाम, करोड़ों की भीड़। देखो, परमात्मा को प्राप्ति के लिए प्राणायाम, बाबा जी अकेला बैठा, क्यों? क्योंकि चाहिए नहीं किसी को। देखो, ये जो योगा योगा बढ़ रहा है, इसलिए है कि हम इतने फंसे हुए देहात्म भाव में। एक जगह में एक महात्मा जी है, पतंजलि योग दर्शन में 4 अध्याय है। पहला है समाधि पाठ, फिर साधन पाठ, फिर विभूति और फिर कैवल्य। उसमें जो विभूति पाद है, तृतीय अध्याय, उसमें व्यक्ति जब अपने मन को संयमित करके यह कहीं यदि एकाग्र करता है तो उसमें भव्य दिव्य विभूतियां प्रकट होने लग जाती है। जैसे यदि ऐसा जिसका मन संयमित हो गया है, यदि सूर्य पर संयम करे तो उसको 14 भुवनों का, जो भूर्भुव स्वाहा महाजना तपहा और तल अतल वितल सुतल तलातल पाताल महातल रसातल, इन सब का ज्ञान एक क्षण में हो जाता है। तो सभी विभूतियों का वहां वर्णन है।
तो नॉर्मली योगा में क्या करते हैं कि या तो आसन करवाएंगे या तो प्राणायाम, आगे पीछे की बात कोई करता ही नहीं। तो इस महात्मा ने क्या किया, विभूतिपात का शुरू कर दिया और बताते हैं ऐसा करने से तुमको यही विभूति मिलेगी और सब वहां इकट्ठे हो जाए। और फिर आपको, और फिर ना तो यम किया, ना तो नियम किया, ना तो आसन हुआ, ना तो प्राणायाम किया, ना तो प्रत्याहार हुआ, और बैठ करके अपना कर रहे हैं। देखो ये योग का प्रयोग जब दुनियादारी में होता है तो वो ऐसे चारों तरफ आप देखते होंगे ना, इंडिया टाइम्स का चल रहा है, योगा टाइम्स एक ऐसी खड़ी है समुद्र के किनारे, अब ये कहीं भी नहीं है। समुद्र के किनारे पोज दे करके खड़ा रहना, ये कि योगा हुआ। इसलिए यह आत्म तत्व इसमें ना तो वृद्धि है ना तो क्षय है, ना तो कर्म की गति अगति है, ना तो धर्म से लोको लोकांतरों की प्राप्ति है, ना तो इसमें जन्म मृत्यु है, ना तो उसमें आदि अंत है, और यही हमारा सबका नित्य अनुभव है। जैसा कहते हैं ना, कोई आदमी सो रहा हो तो उसको जगा सकते हो, अब कोई सो नहीं रहा तो कैसे जगाओगे, पड़े रहते ऐसे, सब सुन रहे हैं लेकिन नाटक हो रहा सो रहा है, और भी आवाज करेंगे ताकि लोग अच्छा रियली सो रहे, लेकिन सो नहीं रहे। ऐसे आदमी को कितना भी उठा वो नहीं उठेंगे, और उनके मतलब की बात हो वो करोड़पति उठ जाएंगे। इसी प्रकार से हम सब लोग ढोंगी है, सो नहीं रहा कोई, सोने के नाटक कर रहे हैं और इसीलिए नहीं जगते। यही आएगा आगे जाकर के, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरित्यया दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती। उत्तिष्ठत जागृत, पहले खड़े हो जाओ फिर जग जाओगे अपने आप, उल्टा नहीं कहा जागृत उत्तिष्ठत, क्योंकि नींद टूटने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बिस्तर से खड़ा होने का। इसीलिए महाराज यह तत्व ऐसा ही जिसका धातु प्रसाद हो गया है, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, और अंतकरण की शुद्धि है कामना राहित्य। कामना यदि या काम या इच्छाएं यदि हमारे मन में स्वाभाविक होती तो उनका बोझा नहीं होता। इच्छाएं हमारे मन में स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए जब इच्छा निर्माण होती है तो उस इच्छा को मिटाने के लिए हम उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। इच्छा की पूर्ति करना माने इच्छा को मिटाना। देखो संतो, यदि हमको इच्छा है ही नहीं तो किसी को मिटाने का सवाल ही नहीं, और यही है अपने साधना की लिटमस टेस्ट कि हम जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के कितना परेशान होते हैं, मन के विक्षेपों को लेकर के कितना परेशान होते हैं, और अपने सभी जीवन के अनुभूतियों को लेकर के कितना परेशान होते। जब जगत के वस्तु व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे तो हम भूताकाश में पहुंच गए, जब मन के चित्तवृत्तियों से प्रभावित नहीं होंगे तो चित्ताकाश में पहुंच गए, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तो चिदाकाश में पहुंच गए। ये चिदाकाश में पहुंच गए का अर्थ क्या है, एक मिट्टी की बोतल या कटोरी या डिब्बा घट, उसकी दीवार तोड़ दी तो जो घटाकाश है
वो संपूर्ण आकाश में मिल गया, मिल गया मैंने कहाँ गया? अरे भैया वो बताओ जरा, वो संपूर्ण आकाश का है, मैं घटाघाट हूं? नहीं, वो घटाकाश असल में पूर्ण आकाश ही था, लेकिन उसका ध्यान अपने ये घट की दीवालों पर इतना फंसा हुआ था कि उसने अपने आप को संपूर्ण आकाश से अलग कर लिया था। आकाश ने नहीं अलग किया था, इस घटाकाश ने अपने को अलग कर लिया था। इसी प्रकार से हमने ही ये पंच कोशों के बीच में आकर के अपने आप को परमात्मा से अलग कर लिया है। और इसीलिए ध्यान से सुनना, परमात्मा किसी जीव का उद्धार नहीं करता। हरे राम राम, स्वामी जी भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मालूम है भगवान किसी जीव का उद्धार क्यों नहीं करता? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यदि आप समुद्र के पास जाओ और उसको कहो कि भैया तुम्हारी कोई कोई जो लहरें होती है ना, वो बड़ी खराब होती है, उसको आप संभालो, तो समुद्र कहेगा पहले ये बताओ कि ये तुम जिस लहरों की बात कर रही है, लहरें नाम की चीज क्या होती है? समुद्र? हाँ जी, आप समुद्र होकर के लहरों को नहीं जानते? नहीं जी, समुद्र के दृष्टि से लहर नाम की कोई वस्तु नहीं। देखो, पानी के दृष्टि से सागर और लहरें, सागर कारण और लहरें कार्य, इन दोनों का अभाव है। कारण यही है कि लहरों का जो जन्मना बढ़ना घटना और मरना, ये अनुभव सागर को कभी आ ही नहीं सकता। तो वह लहर मैं हूं या मेरी है, ये अनुभव सागर को कैसे आएगा? देखो, समुद्र और लहर, ये दोनों का अनुभव पानी को नहीं आ सकता, क्योंकि समुद्र में डूबने का अनुभव पानी को कभी नहीं होगा और लहर में टूटने का अनुभव पानी को कभी नहीं होगा। तो पानी को आप कहो कि आप कार्य कारण भाव से रहते हैं तो वो कहेंगे मिथ्या, मिथ्या वाले तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता कार्य कारण। इसीलिए भगवान के चक्कर में मत पड़ना, भगवान मुझे बचाओ, पापो हम पाप कर्मा हम, आहा, उस तत्व को आत्मरूप से पहचानना है। और करना क्या है? पहचानना है। जरा गुप्ता जी को ले आना भाई एयरपोर्ट जाकर के, ड्राइवर जी। तो हमारे यादव जी निकल पड़े, अपने बंबई के जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं वो सभी यूपी के इंपोर्टेड है और सभी के सभी यादव है। बिहार यूपी में कमी हुई और इसलिए यहां। अच्छा, यादव जी पहुंच गए, गुप्ता जी को ले आना। हाँ बाबू जी, कैसे दिखते हैं वो यादव हुआ जी? तो बाबू जी कहते, देखो वो गंजे गंजे तो बहुत होते हैं। अरे सुनो तो सही, फिर उनके लक्षण बताए जाएंगे। गंजे है, नाटे है, गोल है, और जरा कृष्ण के वंश के हैं, और मोटा चश्मा पहनते हैं, और जब चलते हैं ना तो सबको आनंद आता है। अब ये उस गुप्ता जी के लक्षण हो गए। अब यादव जी पहुंच गए गुप्ता जी को पकड़ने के लिए, अब क्या करेंगे वो? ये लंबा है, हट गुप्ता नहीं, इसके सर पे बाल है, हट गुप्ता नहीं, ये चिट्टा है, चिट्टा माने गोरा, ये है गुप्ता नहीं, वो तो काले थे। ऐसा कर करके अतत व्यावृत्ति रूपता, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और जो बचेगा ये तो गुप्ता ही हो सकता है। इसी प्रकार से जब हमने अपने पंचकोश
और जगत और ईश्वर इन तीनों उपाधियों को त्याग दिया तो जो बचा है वो गुप्ता नहीं, वो परमात्मा है। ओके, अदरवाइज ये गुप्ता इतना दिमाग में बैठ गया वो सब निकल गए तो जो बचा वो गुप्ता। नारायण अच्छा भी है राम से, गुप्ता माने जो गुप्त है वही गुप्ता। अन्यथा दुर्विद्येयो अयम आत्मा कामे भी ही प्राकृत पुरुष ही यस्मात्, अदरवाइज यह जो परमात्मा तत्व है कामी पुरुष को और प्राकृत पुरुष को। कामी माने कौन? कामी माने जिसने अपने आप को एक परिच्छिन्न मान के रखा है। कामी माने जिसने जगत को अपने से अन्य मान के रखा है, और इसीलिए जो जगत के वस्तु व्यक्तियों की कामना करता है तो जिसके अंतकरण में एक भी कामना होगी वह अपने आप को दरिद्री या हीन मान रहा है। और इसलिए यह जो अपना स्वरूप है वो उन्हीं को दुर्गोचर हो सकता है कि जिसके अंतकरण में एक भी कामना नहीं है। ये बताने के लिए अगले श्लोक में बताते हैं। आसीनो दूरं मृजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। यह जो परमात्मा तत्व है द्योतना देव जो सबका प्रकाशक है उसको कहते हैं परमात्मा। तो ये कैसा है? आसीनः दूरं मृजति, एक जगह बैठे हैं लेकिन दुनिया में घूम रहे, क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि वो इंफोसिस के डायरेक्टर, वर्चुअल स्क्रीन पर सभी के सभी कंपनियों के हेड्स आ गए हैं और वहां उस वर्चुअल ग्लोब में बैठ करके सब कुछ हो रहा है। ऐसे हमारे कन्हैया लाल आसीनो दूरं मृजति, एक जगह बैठ करके सब जगह जा रहे हैं। शयानो याति सर्वतः, और सोते हुए सब जगह भाग रहे हैं। तम मदा मदम देवम कहा मत अन्यः ज्ञातुम अर्हति, ऐसा जो विचित्र देव है मद अमद माने जो मस्त भी है और जो दुखी भी है, मद अमद ऐसे परमात्मा को कौन जान सकता है? मुझे छोड़कर के मैंने उसको पहचाना है मदन्या, क्योंकि अब इसको देखो आप यहां कैसे आते हैं महाराज? भाई हम बैठ के आते हैं गाड़ी में, और क्या? अरे बैठ के यहां तक पहुंच गए, आप तो बड़े दिव्य हो। हां जी बिल्कुल लेटेस्ट है, पुराने जैसे महात्मा थोड़ी है। योगा करो, सिद्धियां हासिल करो और फिर पहुंचो। हमने पब्लिक को लगा दिया सिद्धियां बनाओ और हमको भेज देना, तो उन्होंने गाड़ियों की सिद्धियां बनाई और गाड़ी आ जाती और हम बैठ लेते उसमें। तो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का जो चलना या गति है वो अब हम पर अध्यारोपित हो गई, इसीलिए हम कहेंगे हम बैठ करके यहां से वहां गए। माने आसी रहा दूरम रजती, माने जो उपाधि के संदर्भ में जाने आने का नाटक करता है लेकिन असल में जिसमें जाना आना कहीं नहीं है। जैसे एक गिलास में आकाश है और वो गिलास इधर से उधर हिलाओ तो उसमें का जो आकाश है वो भी हिल रहा क्या? भाई आकाश तो हिलता ही नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है ग्लास का आकाश हिल रहा हो, क्योंकि उसमें पानी डालो तो वो पानी कहाँ है? ग्लास के आकाश में, तो उसको हिलाओ तो पानी भी इधर से उधर जाता है क्या? जाता है। माने
उपाधि के गति को उस आकाश पर अध्यारोपित किया गया है। इसी प्रकार से हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय, हमारा देह, उसके विकार, इन सब को परमात्मा पर अध्यारोपित किया गया है। और इसीलिए कहते हैं कि वो देखता है, वो सुनता है, वो बैठता है, वो चलता है। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः। और जब सो जाता है परमात्मा, माने क्या, जब परमात्मा ये सभी उपाधियों का त्याग कर देता है, तो सभी की सभी जो अनेकताएं हैं वो गायब हो गई। अनेकता उपाधि के कारण है। सुषुप्ति अवस्था में हमारे लिए देश काल वस्तु ये भेद समाप्त हो जाते हैं। उस समय हम ना तो भारत में है, ना तो हम लंदन में है। उस समय हम ना तो 2005 में है, ना तो 2002 में है। यह सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति और परिच्छिन्नता व्यक्तित्व, माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ सब खल्लास। और इसीलिए उनको समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सोने को तरसता है। अब घर में नींद नहीं आती, सत्संग में आ जाते, यहां आ जाती है, स्वामी जी का सो फ्रेशनिंग। तो यह जो परमात्मा है, ये सभी द्वंद्वों को आधार देता है। सुख का भी प्रकाशक वही है, दुख का भी प्रकाशक वही है। देखो, लाभ को भी वही प्रकाशित करता है, हानि को भी वही प्रकाशित करता है। ये फोटो वाले मार्ग, तो यह जो एक तत्व है सभी द्वंद्वों को प्रकाशित कर रहा है। देखो, आकाश प्रकाश को भी आधार देता है, अंधेरे को भी आधार देता है। आकाश पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सबको आधार दे रहा है। जिसने आकाश तत्व को पकड़ लिया है, उसके लिए यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, तो आकाश को पकड़ने के लिए ये दिशाओं की जो कल्पना है उसका हमको त्याग करना है। मन को पकड़ने के लिए वृत्तियों का जो तूफान है उसके परे जाना पड़ता है। और चैतन्य को ग्रहण करना हो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों के परे जाना पड़ता है। और जिसके लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये सब एक दूसरे के विरोधी समान है, वह एक तत्व ही सत्य है। और उसको मेरे सिवा कौन जान सकता है, यमराज कहते हैं। कारण क्या, अस्मदादे हे इव सूक्ष्म बुद्धे हे पंडितस्य सुविद्ये यहां अयम आत्मा स्थिति गति नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वाद विरुद्ध धर्मवत्वाद विश्वरूपः इव चिंतामणिवद अवभासते। जैसे एक ही चिंतामणि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न दिखता है। यदि कोई क्रिस्टल हो, उसके अगल बगल में लाल कपड़ा रख दो तो वो लाल दिखने लग जाता है, नीला रख दो तो नीला दिखता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व, छोटी उपाधि को ले लिया तो छोटा हो गया, बड़ी को ले लिया तो बड़ा हो गया। असल में छोटा बड़ा ये परमात्मा में है ही नहीं, ये सब औपाधिक भेद है। और इसको कौन जान सकता है, अस्मदादेव इव सूक्ष्म बुद्धे है पंडितस्य, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है। सूक्ष्म हो गई का तात्पर्य क्या है, जो अब इस जगत में नाम रूप इनमें फंसा नहीं है, जो गुण अवगुण इनमें फंसा नहीं है, जो धर्म अधर्म इसमें फंसा नहीं है,
जो पाप पुण्य इसमें नहीं फंसा, माने जिसने सापेक्षता का संपूर्ण तिरस्कार कर दिया है वही इस तत्व को आत्मरूप से पहचान सकता है। देखो महाराज, इस तत्व की उपलब्धि के लिए कुछ करना नहीं है। आ गया समझ? आ गया। अच्छा बताओ स्वामी जी, आप ऐसा करो, आप हमको लिख के दो क्या सुबह से शाम तक क्या करें। अब सब कुछ समझ में आ गया। अब आप हमारे दिनचर्या बना। अब कोई बड़ा आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, पूरा सत्संग इत्यादि सुनने के बाद यदि ऐसा प्रश्न करे तो उनको डांट भी नहीं सकते, बड़े हैं। अब उनको क्या बताएं? तो हमने कहा अच्छा क्या करूं, फिर लिख के दो। तुरंत उन्होंने एक कागज दे दिया और पेन दे दिया, पेन रख दो, मैं लिखूंगा, सोचने दो मुझे, क्योंकि आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, मजाक थोड़ी है, बड़ा विचार करना पड़ेगा। और फिर जब जा रहे थे तो हमने वो कोरा कागज उनको पकड़ा दिया। ये स्वामी जी आपने कुछ बताया नहीं, क्या करना है? हमने कहा इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई अनरिटन मैसेज देन ओनली यू विल कॉम्प्रीहेंड माई रिटन वर्ड्स। स्वामी जी आपने तो बड़ा भयानक बता दिया। हमने मैं भयानक आनंद हूं। साधना करते नहीं, साधना होती है। कोई लड़के को बता सकते हैं क्या माँ बाप, बेटा एक लड़की से जाकर के प्रेम करना, मम्मी मैं क्या करूं? डंबो, जाकर के एक कोई अच्छी घर की लड़की हो, अमीर हो, इकलौती हो, लेकिन मम्मी मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा जो लड़का बाहर लड़की से प्रेम करने जाएगा उसको कभी प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी, जूते जरूर मिलेंगे। और वो कहेगा आकर के मम्मी से, मम्मी मम्मी आपने मुझे बताया था, मैंने एक लड़की से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और उसे फटाक से लगा दिया, उसके बारे में तुमने कुछ बताया नहीं था। अरे बेटा उसने इस गाल पर लगा, ये भी आगे कर देता। अच्छा अगले बार गए, एक्सक्यूज मी कल तुमने यहां मारा था, मम्मी ने कहा यहां मारा। जो लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करते समय मम्मी ने क्या कहा ये कहता है, वो लड़के से गधा भी शादी नहीं करेगा। इसी प्रकार से साधना क्या करनी है, हाँ बताओ करो, कुछ नहीं करना है, बहुत कर लिया, शांत हो जाओ। कारण क्या है, कुछ करना है, ये दिमाग में इतना ठसा ठस भरा हुआ है। इसीलिए जितना जितना यह ज्ञान अपने हृदय में उतरेगा, जैसे हम लोग विटामिन्स खाते हैं या टॉनिक खाते हैं पीते हैं, तो आपने खा पी लिया, अच्छा उसके बाद क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, वो टॉनिक करेगा सब कुछ। लेकिन आप यदि ऐसे हो कि ये दवाई खा लो ये कूट जा अरिष्ट है, ये आयुर्वेदिक की दवाइयां जो होती है ना वो एक अरिष्ट ही होता है, इसीलिए उसको कूट जा अरिष्ट कहते हैं। तो ये जो अरिष्ट है, कूट जा अरिष्ट, इसको आप ले लो। पहली बार मैंने लिया, इतना भयानक कड़वा, और फिर वो मेरे पीछे का अम्मा लगी रही, लगे रहते मेरे पीछे पता नहीं क्यों, स्वामी जी आपने वो नहीं लिया उसको ले लो। हाँ ठीक है ले लो, तुम रखो तो सही, मैं काम कर रहा हूं। वो चली गई, मैं गया फट से उठा करके बाथरूम में फेंक दिया उसको, पानी दो पानी पी लिया, पी लिया, ग्लास में धोके लाया, मुंह खराब कर दिया, मैंने नहीं पिया। अब यदि मैंने उसको नहीं पिया तो उसका प्रभाव मुझ पर कैसे होगा? इसी प्रकार से हमने यदि इस उपनिषद के वेदांत के ज्ञान को यदि ग्रहण किया है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा।
थी, हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम, ये श्लोक यदि समझ में आया, करने वाला सोचता है मैं कर रहा हूं तो उभौ तो नीता, मैं साधना कर रहा हूं, राम बोलो भाई राम बोलो, साधना कर रहा हूं। देखो जैसे प्यार किया नहीं जाता, आगे क्या है सबको मालूम है, शरीफ बन के बैठे हैं। इसी प्रकार से ध्यान किया नहीं जाता, साधना की नहीं जाती, जितना जितना आपका यह ज्ञान प्रकाशित होगा, प्रफुल्ल होगा, विकसित होगा, उतनी अपने आप साधना होने लग जाती है, अपने विचारों में परिवर्तन आना आवश्यक है। अब तच्च विज्ञाना शोकात्यहा अपि दर्शयति, और यह जो अपना स्वरूप है उसके अनुभूति से क्या होता है और कैसे अनुभूति होती है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु, आप देखो सभी शरीरों में रहते हुए भी जो शरीरी नहीं है, माने जो शरीर के उपाधि के कारण परिच्छिन्न नहीं हुआ है, स्थूल देह के उपाधि के कारण जो परिच्छिन्न हो जाता है वो जागृत पुरुष है, सूक्ष्म देह के उपाधि के कारण जो परिच्छिन्न हो जाता है वह स्वप्न पुरुष है, सुषुप्ति के उपाधि के कारण जो सोने का नाटक करता है वह प्राज्ञ पुरुष है, और जो बांध बूंद की समाधि में बैठा है वो समाधिस्थ पुरुष है। लेकिन चारों में रहते हुए जो ना तो जगता है, ना तो सोता है, ना तो सपने देखता है, ना तो समाधि लगाता है, वह अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अस्थितम, और वह किसी भी अवस्था में बंधा हुआ नहीं, किसी भी अनित्य के साथ रहकर भी अनित्य नहीं हुआ है, और ऐसे महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। तो ऐसा जो अपना स्वरूप है महांतम, भगवान शंकराचार्य अपने कॉमेंट्री में लिखते हैं महांतम का तात्पर्य महत्तत्व मत कर लेना, ध्यान से सुनना अत्यंत सूक्ष्म विषय है। ये जितने भी सिद्धियां, ये गति वो गति, शाप आशीर्वाद, अगला जन्म पिछला जन्म, इस चक्कर में जो फंसे हुए हैं और जो इस जगत में आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य जगत का भला करना इस विचार को पकड़ के बैठे हैं, उनकी गति केवल हिरण्य गर्भ तक ही होती है, और इसीलिए यहां भगवान कहते हैं कि महांतम विभु, माने अपने आप को मैं तो भैया अब नवसारी से छूट गया, अब मैं अहमदाबाद में आ गया, अब मैं तो अहमदाबाद से छूट गया, अब मुंबई में आ गया, अब तो मैं तो मुंबई से निकल गया, अब मैं आ गया न्यू ऑरलियंस, अब मैं न्यू ऑरलियंस से छूट करके अब ग्रीन कार्ड मिल गया, अब मैं कहीं भी नौकरी कर सकता हूं, पहले नौकरी नहीं कर सकता, अब मुझे तो सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन यहां कुछ है ही नहीं, तो चलो नवसारी, अब मैं फिर वापस आ गया। अरे भैया जो नाच रहा था ये मैं ही तो था। देखो पहले मैं मनुष्य था, फिर मैं पशु बना, फिर मैं पक्षी बना, फिर मैं तोता बना, इस चक्कर में मत पड़ना, ये गति केवल हिरण्य गर्भ तक की है। यहां कहते हैं इसको निकलने के लिए महांतम महत्वस्य अपेक्षितत्वाद शंकायामाह विभुम व्यापिनम आत्मानम आत्मग्रहणम स्वतः अन्यत्व अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम।
इसीलिए हमको हिरण्य गर्भ में आकर के गति अगति के चक्कर में नहीं फंसना है। जो साधना की पद्धति और जो विचार हमको पूर्व जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म इसमें रखता है, वह द्वैत का क्षेत्र है, सापेक्षता का क्षेत्र है। और उसमें रहने वाले हमेशा डर डर के रहेंगे, मस्त नहीं रह सकते, क्योंकि डर, पाप हुआ पुण्य हुआ, पाप हुआ पुण्य हुआ, जो डर के रहता है वो कोई जीना है। इसीलिए विभू शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे तत्व को जिसने आत्म रूप से पहचाना है, न शोचती धीरहा, ऐसा ही धीर पुरुष जो है धीमान, न शोचती नहीं एवं विदस्य आत्मविदहा शोकहा उपत्ति, ऐसा जो है उसके जीवन में दुख हमेशा के लिए निवृत्त हो गया। अब आ गई बात समझ में, मौज में रहो जो हम कहते हैं ना, वो इसी शास्त्रों का निचोड़ है। ऐसे नहीं कि ठीक है मौज में रहो, हाँ, उसके पीछे पूरा आधार है शास्त्रों का। जितने भी दुख है ये सब परिच्छिन्नता में है, परिपूर्णता में दुख रही। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो शांत है उसमें दुख है, जो अनंत है उसमें आनंद है। अच्छी बात, अब तो मैंने पकड़ लिया, अब आत्मा को तो पाके ही रहेंगे। ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न यम एवेश वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। तो क्या करे, अब तो मैं रेगुलरली प्रवचन को जाऊंगा। ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यः, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, यह आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया। ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यः, ये अर्थ दो प्रकार से है, केवल प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलता और प्रवचन करने से भी नहीं मिलता। प्रवचन करने जैसी सबसे आसान बात दुनिया में और कोई नहीं है, कुछ करना थोड़ी है, दुखी मत होना और स्वयं दुखी है। देखो विषयांतर मत करना, मैं तुम्हारे दुख की बात करता हूं। तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यः, केवल प्रवचन में जाकर के बैठे भगवान को चैलेंज दे करके कुछ नहीं। न मेधया, कई लोगों को भगवान ने ऐसी मेधा शक्ति दी है कि सब कुछ उनको शास्त्रों के जितने रेफरेंसेस है एकदम याद रहते हैं, पता नहीं कहां कहां से ले आते। ऐसे दबाओ भगवद गीता सुनो, ऐसे दबाओ ब्रह्म सूत्र, ऐसे कराओ योग सूत्र, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। न मेधया न बहुनाश्रुते न, हमने तो भैया हर एक महात्मा को सुन के रख दिया है, एकदम प्रोफेशनल सत्संगी। बहुनाशुते न, अरे भैया इन सब से नहीं मिलता आत्मा तो कैसे मिलता है। यम इवेश वृणुते तेन लभ्यः, जिसको इस तत्व को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए, माने जिसके अंतकरण से यह सापेक्षता के जगत की सभी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो गई है, उसी के सामने शब्द क्या है, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, फिर आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाता है। देखो कल परसों हमने स्वामी अखंडानंद जी की किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने बताया कि उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन अपने मेहनत से नहीं होता, ऐसे नहीं कि भाई 10 रुपए ले लो भगवान आ जा, हाँ, कोई खरीदने की वस्तु नहीं है, कोई साधना के बल पर परमात्मा को प्राप्त कर ले, फॉरगेट अबाउट इट, हमने इतना जप किया दर्शन दो, हाँ, हमने इतने उपवास किए दर्शन दो, बिल्कुल नहीं देंगे, जब तक के मैं बैठा है तब तक के भगवान के दर्शन नहीं होते।
और जिसको केवल परमात्मा चाहिए उसके अंतकरण में एक भी इच्छा नहीं रहेगी। जैसे पैर में काटा गया तो दूसरे कांटे से निकाल के दोनों को फेंक देते हैं, इसी प्रकार से ऐसा नहीं पहले कांटे को फेंक दिया दूसरा काम आएगा, रख लो पेट के अंदर। हाँ, उसी प्रकार से परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा जगत के सभी इच्छाओं को नष्ट करके स्वयं भी जब नष्ट हो जाती है कि हे भगवान आपकी मर्जी, दर्शन देना हो तो दो, नहीं तो मत दो, हम तो बैठे हैं, तब जाकर के प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और इस आत्म तत्व को कौन नहीं प्राप्त कर सकता, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन आप्नुयात्। ना विरतो दुश्चरिता, जिसने अपने जीवन को पवित्र शुद्ध नहीं रखा उसको यह तत्व नहीं मिलता। न अशांतः, जो हमेशा विक्षेपित रहता है, हमेशा कह 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 करता है, उसको परमात्मा नहीं मिलते। न असमाहितः, और जो एक जगह में स्थिर नहीं है, हर चीज को लेकर के रिएक्शन पार्टिसिपेशन, और ना अशांत मानसो वापी, और उसके कारण जिसका मन हमेशा दुखी फ्रस्ट्रेटेड रहता है केवल पढ़ पढ़ करके सुन सुन करके, ऐसे व्यक्ति को यह परमात्मा तत्व की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए जो योग साधना करते हैं उनको बताते हैं पहले यम नियम होने चाहिए, फिर जाकर के आसन का स्थैर्य होता है। आसन का स्थैर्य तब होता है कि जब हमारे सब धातु के सब धातु एकदम शुद्ध पवित्र हो गए, और वो तब पवित्र होते हैं जब जगत के साथ व्यवहार करते समय अपने हृदय में शुद्धता पवित्रता शांति प्रेम इसका प्रभाव हो। जिसके मन में दुख है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, उसके हृदय में परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता। इसलिए यह सब आवश्यक है कि अपने आप को हमेशा जिंदगी भर के लिए साधक के रूप में ही देखें। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। द मोमेंट वी टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड वी गो द रॉन्ग वे। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युः अस्य उपसेचनम् क इत्था वेद यत्र सहा। ये अंतिम मंत्र है इस द्वितीय वल्ली का। जिस परमात्मा का, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा विचित्र है, इस परमात्मा का ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों की खिचड़ी जो खाता है वो परमात्मा है। ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय इनकी जो खिचड़ी जो खाता है वो परमात्मा है। ओदन माने चावल, खिचड़ी, केवल खिचड़ी खाता है। हां जी, चटनी मिटने चटनी भी खाता है। मृत्यु अस्य उपसेचनम, और मौत जिसकी चटनी है, जो मौत को चबा गया है वो परमात्मा है। देखो ब्रह्म क्षत्र, सो यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च, च का तात्पर्य है तीसरा भी, को कौन सा है तीसरा? ब्रह्म माने सत्व गुण, क्षत्र माने रजोगुण, और जो बचा है वो हम लोग तमोगुण। तो जो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति को आधार देते हुए भी उसको पूरा निगल जाता है। भगवान की लीला में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने वो दावा नल पी गए, उनको कुछ परेशानी नहीं हुई। ये कैसे संभव है, सिगरेट पीते हैं तो क्या परेशानी है? देखो, जैसे अग्नि को उष्णता परेशान नहीं करती, जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, उसी प्रकार से जो ये प्रकृति को आधार देने वाला है, यह जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जिसमें सत्व रजस तमस इन सब को जो निगल जाता है, और मृत्यु अस्य उपसेचनम, और मौत जिसकी चटनी है, माने
इस प्रकृति में जितने भी विकार है उन विकारों को मृत्यु कहते हैं। तो जो प्रकृति और उसके विकृतियां, इनके द्वारा जो कभी भी प्रभावित नहीं होता, ऐसा जो शुद्ध परमात्मा तत्व है, उसको कौन अपने से अन्य के रूप में पहचान सकता है। माने इस तत्व को केवल हम अपने स्वरूप में ही पहचान सकते हैं, उसको अपने से अन्य के रूप में नहीं पहचान सकते। इस प्रकार से नचिकेत का जो प्रश्न था, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद, जो आप देखते हो मुझे बताओ। यमराज कहते हैं, महाराज वो आप स्वयं हो। तो जो मूल भूल है, हम परमात्मा को अपने से अन्य रूप में पहचानना चाहते हैं। और यहां उन्होंने अंतिम श्लोक में यही कहा कि ऐसे परमात्मा तत्व को अन्य के रूप में कितना भी प्रयत्न करो, आपको सफलता नहीं होगी। और इसलिए तुम्हारी जो भूल है हे नचिकेत, ये यही है कि उस परमात्मा को तुम अपने से अन्य के रूप में जानना चाहते हो। नहीं, तुम ही इस प्रकृति का आधार हो। सत्वगुण जब बढ़ जाता है तब सत्संग की इच्छा होती है, रजोगुण जब बढ़ जाता है तब झगड़ा करने की इच्छा होती है, तमोगुण जब बढ़ जाता है तो झगड़ा करते करते भी नींद आ जाती है। और ये सभी विकारों को प्रकाशित करने वाला है, एक शुद्ध चेतन है, वो कभी भी प्रभावित नहीं होता। ये वो परमात्मा तत्व है, और तत्वमसी वह तुम स्वयं हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।